यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। समाजवादी पार्टी के आमदार रईस शेख साहब हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे एनआरसी के ऊपर लोगों को क्या क्या एहतियात बरतनी है। नहीं, बस एहतियात नहीं बरतनी है, बस हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। हम सब एक हैं हिंदुस्तान में। जो अभी ये सीए और एनआरसी आया है वो मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ है। आज आपने देखा औरतों का एक सैलाब यहाँ पर था। हिंदुस्तान का हर शख्स, हर मज़हब का शख्स जो है इसके ख़िलाफ़ है। एक ही चीज़ कहना है कि हमको इसको बायकॉट करना है। ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, इसकी बुनियाद ही जो है वो मज़हब के नाम पे, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। रेत भाई, बहुत लोग इसमें जो है घबराए हुए हैं, जो सीधे साधे लोग हैं इधर भाग रहे हैं, गांव जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, अभी कोई घबरा नहीं रहा था, पहले थोड़ा सा था, लेकिन इतनी सारी तादाद में लोग जब आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये डर निकल जाता है। हम सब एक हैं और एक आदमी भी अकेला इसको फेस नहीं कर रहा है, पूरा मुल्क इसको फेस कर रहा है। धर्म के नाम पर हो रहा है, घबरा हो ही रही होगी, अब कुछ नहीं है, अब लोग एकदम मुतमईन है। इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद लोगों को लगता है कि पूरा मुल्क साथ में है। ये कहीं ना कहीं आवाज़ दबाई जा रही है स्टूडेंट के ऊपर हमला, ये सब। अरे कितने भी करें, हिंदुस्तान ने बहुत ऐसे एपिसोड देखे, बहुत ऐसे सालिम देखे। इंशाअल्लाह ताला जीत हिंदुस्तान की तिरंगी की होगी। सिराज भाई हमारे साथ में जमात उलमा के मुंबई प्रेसिडेंट, बताएंगे कि एनआरसी के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में भी बताएंगे। हाँ सुनो, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, अभी तक के हमने इतना बड़ा महिलाओं का प्रोग्राम मुंबई में देखा नहीं है, तो आपने क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, बड़ा सक्सेस प्रोग्राम था। हमारी ख्वातीन, हमारी माँ बहनें इस मैदान के अंदर जमा हुई है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जो औरत की गोद होती है, तालीम की सब पहली दर्जगाह होती है, जब औरत ये इस ग्राउंड के अंदर जितने बेदारी के साथ में जमा हुई है, ये इस बात का सबूत है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुबहान ताला ने चाहा तो ये एनपीआर के लिए आए, किसी एए के लिए आए, चाहे ये किसी भी चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट के लिए आए। इंशाल्लाह ये करारदाद भी यहाँ मंजूर हुई है कि वो ना किसी को डॉक्यूमेंट देंगे, ना किसी को डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि हम ऐसे लोगों को उस गली के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मुंबई के अंदर सीधे साधे लोग हैं, घबराए हुए हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है पेपर के लिए, तो ऐसा कोई पैगाम उन लोगों के लिए? नहीं, ऐसे लोगों के लिए पैगाम ये कि हमारी जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने एक पेपर बताया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आता है, ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो मतलब वो अपने पास जमा करके रख लें, देने की बात अभी तक कही नहीं है किसी ने। तो इंशाल्लाह ताला हम भी आपसे ये, आपके बीपीएन न्यूज़ से ये, लोगों से, आवाम से ये इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कोई भी आदमी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए या कोई मोबाइल पे मिस कॉल आए कि इस नंबर पे मिस कॉल कर दें, तो कुछ भी ऐसा काम ना करें। यह गवर्नमेंट टोटली तौर पर फेल हो चुकी है और एकदम नाकारा हो चुकी है। अभी ये एनपीआर एनसीआर के अंदर इन्होंने उलझा के रखा है और उन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन के अंदर दे दिया। हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ गिरते जा रही है। और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहते हैं कि इसे हिंदुस्तानी, ये एनआरसी के पीछे दूसरा भी खेल चल रहा है, ये हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश है कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, ये पता नहीं अल्लाह जाने क्या खेल करना चाहते हैं। ये महामारी का इमरजेंसी के वक्त जो हालात होते थे, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ये उससे खतरनाक हालात हैं। बीपीएन न्यूज से बात करें, उम्र हो गई है, आपने इससे बड़ा कहीं प्रोटेस्ट इस तरह का देखा है कभी किसी गवर्नमेंट? मैं पैदा हुआ आज़ादी से पहले, आज़ादी के वक्त भी जो छोटे मोटे हम लोग खुद स्टूडेंट बनकर शामिल होते थे, इस किस्म का जो है, ख़ास तौर जो हमारी औरतें बहनें हैं वो इतनी तादाद में उस आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं थी।
ज़्यादातर मैं देखता था कि सब मर्द शामिल हैं, मगर ये पहली लड़ाई है जिसमें हर तबके की औरतें घर का घर बार सब छोड़कर एहतजाज के लिए जमा हो रही हैं, और उनका एक ही है कि हिंदुस्तान की एकता बाकी रहे। ये ऐसा नहीं आपको लगता है इसके पीछे एक जो महंगाई का एक मुद्दा है उससे भी लोग भटक गए? हमें अभी हमने नई हुकूमत इलेक्ट की है 2019 में, और जो मुद्दे इलेक्शन से पहले बताए गए थे, डेवलपमेंट और बेरोज़गारी, किसानों की बेहतरी, स्टूडेंट की बेहतरी, ये सब को गायब करके ये नई इंतशार की काले कानून की वो लागू करके ये सब ये नागरिकता कानून जो है वो लागर के लोगों को एकदम गुमराह किया जा रहा है। स्टूडेंट को जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं, उनको लाठियों से गोलियों से मारा जा रहा है, उनकी क्लासों में घुस के, उनकी लाइब्रेरी में घुस के गुंडे, ये गुंडा राज जैसा बन चुका है हिंदुस्तान, और पूरी दुनिया में, यहीं हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की जा रही है। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर जो प्रेजेंट रजीम है उसमें कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसकी हम बिल्कुल